गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड ट्यूशंस। तो फ्रेंड, आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी का टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है सिटीजनशिप। लास्ट टाइम हम पढ़ चुके थे पॉलिटी में पार्ट वन, दैट इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट टू। जैसा कि मैंने आपको सभी बताए थे, आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो पार्ट्स हैं उसकी मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बताई थी आपको पढ़ने की, और उसी टाइम मैंने आपको बोला था कि हम एक एक टॉपिक, एक एक पार्ट कवर करते हुए चलेंगे, ताकि आप जो भी एग्जाम्स दें, आपके हर एग्जाम के लिए ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपका पक्का हो जाए, ठीक है। क्योंकि एक एक तरीके से समझना, एक एक टॉपिक को एक दिन में कवर करना इज ज़्यादा बेटर देन तीन चार टॉपिक आप एक साथ कवर करें। एक एक टॉपिक को करते हुए चलते हैं तो ईजिली आपका हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बट आई प्रोमिस कि मैं आप डेली डालूंगी, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं पार्ट टू, जो कि है आपका सिटीजनशिप, ठीक है। तो 5 से 11 तक अनुच्छेद में हमारा सिटीजनशिप के बारे में बात हुई, यानी नागरिकता के बारे में बात हुई है, ठीक है। तो ये आज हम देख लेते हैं 5 से 11 अनुच्छेद में आपका क्या क्या है, या 5 से 11 आर्टिकल में आपके क्या क्या है, सिटीजनशिप कैसे दी गई है, कैसे देने का उसमें नियम है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आज की वीडियो में। तो आप वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करना, लास्ट तक इसको ज़रूर देखना, ठीक है। तो देख लेते हैं हम नागरिकता के बारे में, ठीक है। ये आपकी बात हुई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी संविधान में पार्ट टू यानी भाग दो में सिटीजनशिप की बात हुई है, ठीक। अब दोस्तों, सबसे पहले जानने वाली बात ये है कि एक देश में किस तरीके के लोग रहते हैं, ठीक है। नागरिकता क्या होता है, नागरिकता किस हिसाब से दी जाती है, ये सभी चीज़ें हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि देश में किस तरीके के लोग रहते हैं, कंट्री में कितने टाइप्स के लोग रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तीन चीज़ें ये जो मैंने लिखी हुई हैं, इनमें गौर करने वाली बात ये है कि आपके देश में या तो लोग होंगे नॉर्मल लोग, ठीक है। नॉर्मल लोग का मतलब यहाँ पे मेरा ये कहने से है कि जैसे कि आपकी कंट्री है, आपकी कंट्री में आए लोग, जैसे बाहर के लोग आते हैं हमारे कंट्री में, ठीक है, फॉरेन के लोग आते हैं, वो आपकी कंट्री में मॉन्यूमेंट्स देखने आते हैं, आपकी कंट्री में ताजमहल देखने आते हैं, लाल किला देखने आते हैं, ठीक है। तो वो नॉर्मली देखने आते हैं और देख के चले जाते हैं, ठीक है। तो एक तो हो गए उस तरीके के लोग, दूसरे होते हैं सिटीजन्स, ठीक है, जो होते हैं आम लोग, जो होते हैं आप लोग, ठीक है। आप लोग क्या करते हो, जो आम लोग होते हैं, जो इंडिया के अंदर ही रह रहे हैं, वो देखने जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या होंगे, वो होंगे सिटीजन, ठीक है। ये चीज़ें मैं और एक्सप्लेन तरीके से बताऊंगी, लेकिन थोड़ा आगे। तीसरे हो जाते हैं माइनॉरिटी। अब माइनॉरिटी क्या होती है, ये भी सिटीजन्स के अंदर आते हैं। माइनॉरिटी वो होती है जो कम संख्या में होती है, या हम इसको हिंदी में अल्पसंख्यक कहते हैं, ठीक है, कम संख्या में होते हैं ये, ठीक। अब ये जो अल्पसंख्यक होते हैं, ये किस किस बेसिस पे होते हैं, या तो ये लैंग्वेज के बेसिस पे होते हैं, ठीक है, या फिर ये धर्म के बेसिस पे होते हैं। लाइक किसी का धर्म, मान लीजिए कि बौद्ध धर्म के हैं, या जैन धर्म के हैं, या कोई अन्यथा कोई और धर्म के हैं, ठीक है। अगर वो कम मात्रा में, मान लीजिए कि इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, इतने ज़्यादा लोग हैं, बट उसमें बहुत छोटा सा एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो कम, जो धर्म के आधार पर, जो मतलब बहुत कोई भी धर्म ले लीजिए, एग्जाम्पल बौद्ध धर्म ले लिया आपने, ठीक है। तो वो बौद्ध धर्म के जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो ज़्यादा नहीं है, मान लीजिए 1000 लोग हैं, तो वो क्या हो गए, माइनॉरिटी ऑफ पीपल हो गए, ठीक है। या तो माइनॉरिटी आपकी होती है लैंग्वेज के आधार पर, भाषा के आधार पर, या जैसे कि कोई भाषा के लोग हैं। अब भाषा कितने तरीके की होती है, तमिल, तेलुगु, हिंदी, पंजाबी, कितने तरीके की होती है। तो जो भाषा कम लोगों में बोली जाती है, एक हो गया भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक, और एक हो गया धर्म के आधार पर, ठीक है। तो तीन तरीके के लोग आपके यहाँ पर हैं। अब बात आ जाती है हमारी ज़्यादा मतलब खास ध्यान देने वाली बात आ जाती है आपकी सिटीजनशिप, आपकी नागरिकता एक्चुअली होती क्या है। नागरिकता आपका एक तरीके का एक प्रूफ है, एक सर्टिफिकेट है, जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिलता है, ठीक है। आपके देश की सरकार, आपके देश की गवर्नमेंट आपको देती है। लाइक आपके पास आधार कार्ड है, क्या है वो, आपका सिटीजनशिप होने का, मतलब सिटीजन, इंडिया के सिटीजन होने का आपका एक प्रूफ है, ठीक है। तो यहाँ पे बात उसी नागरिकता की होने वाली है, उसी सिटीजनशिप की बात होने वाली है। फ्रेंड्स, सिटीजनशिप इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है, नागरिकता इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है। अब दोस्तों, क्या था पहले, क्या था, एक था ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। तो आफ्टर पार्टीशन, जब डिवाइड हुआ, जब पार्टीशन हुआ, तो क्या हुआ कि ब्रिटिश इंडिया डिवाइड हो गया पाकिस्तान और इंडिया में, ठीक है। तो वहाँ से ये मुद्दा निकल के आया कि सिटीजनशिप इतना बड़ा इशू क्यों है। अब क्यों है, क्योंकि जब इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हो गया, जब दोनों के बीच पार्टीशन हो गया, तो सबसे बड़ी मेन बात ये थी कि अब इंडिया के सिटीजन कौन कौन होंगे। अब सिटीजन्स की बात कहाँ से आई, सिटीजन्स की बात यहाँ से आई, क्योंकि जो इंडिया के सिटीजन्स हैं या
ऑल ओवर जो भी कंट्रीज के सिटीजन होते हैं उनको कुछ राइट्स मिलते हैं, कुछ अधिकार ऐसे मिलते हैं, कुछ प्रिविलेजेस ऐसे मिलते हैं जो सिर्फ सिटीजन्स के लिए ही होते हैं। ठीक है, अगर सिटीजनशिप नहीं एक्वायर होती या सिटीजनशिप नहीं दी जाती या इस चीज़ का कोई मुद्दा नहीं होता तो कोई भी कहीं पे घुस सकता था, इंडिया पाकिस्तान जो आज भी चल रहा है बट ये और भी बड़े लेवल पे चल सकता था। ठीक है, तो जब ब्रिटिश इंडिया का पार्टीशन हुआ, जब इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हुए, ठीक है, तो आपका सिटीजनशिप इतना ज़्यादा बड़ा इशू बना कि इंडिया के सिटीजन्स कौन कौन से होंगे और इंडिया की बाउंड्रीज कौन कौन सी होंगी, इंडिया की टेरिटरीज क्या होंगी। ठीक है, अब दोस्तों बात आती है कि आपका 26 जनवरी 1950, ठीक है, 26 जनवरी 1950 जो कि मैंने यहाँ भी लिखा है, 26 जनवरी 1950 कमिटमेंट ऑफ इंडिया, कमिटमेंट ऑफ इंडिया यानी इसके आधार पर आपका सिटीजनशिप अप्लाई हुआ है यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि जो नागरिकता है वो दो चीज़ों के आधार पे दी गई, फ्रॉम द कमिटमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी 26 जनवरी 1950 आपका क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ था। ठीक है, तो उस दिन आपके सिटीजन्स कौन कौन थे, उस दिन इंडिया के सिटीजन्स कौन कौन थे उस बेसिस पर, और उसके बाद इंडिया के सिटीजन्स कौन कौन होंगे इसके लिए पार्लियामेंट एक लॉ निकालेगी। ठीक है, जो कि निकाला है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट, उसमें इसकी बात की गई है, तो उसके बारे में तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम बात करते हैं आर्टिकल 5 to 11 जो कि बात हुई है फ्रॉम द डे ऑफ कमिटमेंट ऑफ इंडिया यानी 26 जनवरी 1950 को नागरिकता किसको मिली या उस दिन सिटीजन्स कौन कौन थे उस बारे में। ठीक है, तो आर्टिकल 5 सबसे पहले हम देख लेते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा सिटीजनशिप आफ्टर पार्टीशन ऑफ इंडिया, पार्टीशन ऑफ इंडिया होने के बाद का जो 26 जनवरी 1950 में आपके नागरिकता किस किस को मिली उस बारे में ये बात है। आर्टिकल 5 में हम देख लेते हैं क्या है, अ पर्सन विल बी सिटीजन ऑफ इंडिया इफ बॉर्न और डोमिसाइल इन इंडिया। अब दोस्तों आर्टिकल 5 में बात की गई है कि आपकी दो चीज़ें हैं। ठीक है, अ पर्सन विल बी सिटीजन ऑफ इंडिया, एक आदमी, कोई भी आदमी, ठीक है, मतलब इंडिया का सिटीजन तभी होगा, इंडिया की नागरिकता उसे तभी मिलेगी या तो उसके पास डोमिसाइल है, सबसे मेन चीज़ तो ये है, दो चीज़ें इसमें उसके लिए होनी ज़रूरी है। कब, 1950, 26 जनवरी 1950 को अगर कोई आदमी नागरिकता हासिल कर रहा है तो उसके लिए दो चीज़ें होनी बेहद ज़रूरी हैं। पहली क्या है, डोमिसाइल। ठीक है, डोमिसाइल का मतलब क्या होता है, जहाँ पर आप पैदा हुए हैं, ठीक है, वहाँ का आपके पास प्रूफ हो कि हम इस एरिया में पैदा हुए हैं, ठीक है, और आप इंडिया में पैदा हुए हो, ठीक है, आपका जन्म इंडिया में हुआ है, या आपके जो पेरेंट्स, एनी ऑफ योर पेरेंट्स यानी आपकी माता या आपके पिता जो हैं वो इंडिया में उनका जन्म हुआ हो, और रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर 5 years बिफोर 26 जनवरी 1950 यानी 26 जनवरी 1950 यानी संविधान लागू होने से पहले आप 5 साल इंडिया में रहे हों, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगी, सिटीजनशिप आप ले सकेंगे, नागरिकता आपको मिलेगी। ठीक है, दोबारा समझते हैं क्या है, अ पर्सन विल बी क्या होगा, इंडिया की नागरिकता उसे तभी मिलेगी या तो उसके पास डोमिसाइल हो, ठीक है, और या तो वो इंडिया में जन्म लिया हो या उसके कोई माता पिता इंडिया में जन्म हुआ हो उनका, या संविधान लागू होने से 5 साल पहले आप उसमें इंडिया में रह रहे हो। ठीक है, ये चारों की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, कोई 3 चीज, या तो इंडिया में पैदा हो या आपके माता पिता पैदा हो या ये 5 साल वाली बात, इन 3 चीज़ों में से कोई 1 चीज़ और आपके पास डोमिसाइल इंडिया का हो। ठीक है, आर्टिकल 6 में क्या बात की गई है, पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, आर्टिकल 6 में बात हुई है लोगों की जो माइग्रेट हुए पाकिस्तान में। जैसा कि मैंने बताया कि ब्रिटिश इंडिया का पार्टीशन हुआ और पाकिस्तान और इंडिया में डिवाइड हुआ, जिसके कारण अप्रॉक्स मतलब बहुत सारे लोग अप्रॉक्स 10 लाख से रिलेटेड मतलब अप्रॉक्स उतने ही होंगे, ठीक है, इतने लोग माइग्रेट हुए इधर से उधर। ठीक है, तो आर्टिकल 6 बात कर रहा है उसी माइग्रेशन की जो माइग्रेट हुए पाकिस्तान से। ठीक है, पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान। अब हुआ क्या था, आर्टिकल 6 में क्या हुआ था, 2 चीज़ों की बात हुई है यहाँ पर भी, एक हुई है बिफोर 1907, मैं आपको यहाँ पर लिख के बताती हूँ, बिफोर और आफ्टर। ठीक है, बिफोर और आफ्टर में 19 जुलाई 1948 से पहले की बात हुई है और 19 जुलाई 1948 के बाद की बात। अब ये 19 जुलाई क्या है फ्रेंड्स, इसी दिन हमारा परमिट सिस्टम लागू हुआ था। ठीक है, परमिट सिस्टम क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे क्या हुआ है, पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान यानी जो 19 जुलाई 1948 से पहले माइग्रेट हो गए थे, ठीक है, उनके लिए क्या कंडीशन थी,
कि या तो आपके कोई ग्रैंड पेरेंट्स आपका इंडिया में जन्म हुआ हो, या फिर आप माइग्रेशन के बाद पाकिस्तान से जब माइग्रेशन हुआ तब से इंडिया में रह रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगी, सिटीजनशिप मिलेगी। ठीक है, तो ये तो थी बिफोर वाली बात। अब करें आफ्टर वाली बात, यानी परमिट सिस्टम लागू होने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे क्या कंडीशंस आई कि आपको सिटीजनशिप कैसे मिलेगी। या तो आपके कोई ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए हों, ठीक है। सेकंड, आपने जो परमिट सिस्टम का जो सेटलमेंट है वो किया हो, यानी आपका 6 मंथ एटलीस्ट माइग्रेशन के 6 मंथ रजिस्ट्रेशन के बाद, ठीक है। यानी होता क्या था कि इससे पहले तो क्या हुआ, लोग आए गए, किसी ने कोई इतना ध्यान नहीं दिया या चीज़ें नहीं उस समय पे हुई कि लोग आ रहे हैं या जा रहे हैं। लेकिन 19 जुलाई 1948 को एक परमिट सिस्टम लागू हुआ, जिसकी वजह से क्या होता था, जो लोग आते ही थे या जाते थे वो एक परमिट रजिस्ट्रेशन एक होता था, ठीक है, वो चीज़ स्टार्ट होने लगी, ठीक है, कि यहाँ से इतने लोग आए हैं या इतने लोग गए हैं। तो क्या हुआ, 19 जुलाई 1948 से ये होने लगा कि जो लोग आ रहे हैं वो एक रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे आपको क्या मिलता था, या तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपके इंडिया में पैदा हुए हों, या आपने 6 मंथ एटलीस्ट आप रहे हो जब आप माइग्रेट कर गए हैं, ठीक है। तो ये थी आर्टिकल 6 की बात। आर्टिकल 6 और आर्टिकल 5 में क्या बात हुई है, आर्टिकल 6 की और दोनों के बीच में डिफरेंस सिर्फ यही है, यहाँ पर सिटीजनशिप उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान में माइग्रेट हुए हैं, और यहाँ पर जो इंडिया के ही सिटीजन हैं, आर्टिकल 5 में जो इंडिया के ही सिटीजन हैं उनकी बात हुई है, आर्टिकल 6 में पाकिस्तान वालों की बात हुई, हूँ माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से माइग्रेट हुए हैं, ठीक है। अब देखो आर्टिकल 7 आपकी क्या बात करता है, पीपल हु माइग्रेटेड टू पाक एंड कम बैक। क्या हुआ, अब लोग माइग्रेट तो हो गए पाक, ठीक है, तो पाकिस्तान तो चले गए, लेकिन कुछ टाइम बाद वहां से वापस आ गए, ठीक है। अब वो कोई भी रीजन होंगे उनके, उनको वहां अच्छा नहीं लगा या उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, जो भी था, ठीक है। तो क्या हुआ, ये उन लोगों की सिटीजनशिप की बात हो रही है जो पाकिस्तान गए लेकिन वहां से वापस आ गए, ठीक है, वापस माइग्रेट हो गए, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पे किस किस की बात हो रही है, पाकिस्तान जो इंडिया से पाकिस्तान गए 1 मार्च 1947 के बाद, और जो इंडिया से पाकिस्तान गए 1 मार्च 1947 के बाद और वहां से वापस आए, ठीक है, तो उनकी माइग्रेशन की बात हो रही है। क्योंकि यार देखो, जो यहाँ पर आए, जो पाकिस्तान से, जो इंडिया से पाकिस्तान गए, ठीक है, फिर पाकिस्तान से वापस आए, तो नागरिक तो इंडिया के थे ना वो। अब मान लीजिए उनका जन्म इंडिया में हुआ होगा, तो वो इंडिया के सिटीजनशिप तो थे ना, ठीक है। अब वो किसी भी रीजन की वजह से वापस आए, लेकिन अब वो वापस आ गए, तो वो दावा कर सकते हैं कि वो इंडिया के सिटीजनशिप है। अब फ्रेंड्स एक बात मैं आपको बताऊंगी कि ये 6 और 7 आपका पूछा नहीं जाता एग्जाम में, ये सिर्फ उस समय का जो हाल था, उस समय जो पार्टीशन का जो हाल था, उस बेसिस पर आपको बता, उस बेसिस पर उनको ये चीज़ें लागू करनी थी कि उस समय पर आप सिटीजनशिप कैसे दोगे, 26 जनवरी 1950 के बाद आप सिटीजनशिप कैसे दोगे, पार्टीशन के बाद कैसे दोगे, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता था कि कोई भी आ रहा है कोई भी जा रहा है, ठीक है, एक नियम एक चीज़ लागू करनी थी, तो ये उस समय की बात थी। जैसा कि मैंने बोला, अब जो है पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955, ये हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है, उस बेसिस पर आप क्या होती है नागरिकता मिलती है, ठीक है। तो ये दोनों एग्जाम में नहीं आता, तो इसे इतना पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 8 की बात कर लेते हैं, आर्टिकल 9 यहाँ मेरे से गलती से मैंने ऊपर लिख दिया आर्टिकल 8, तो आप समझिए पहले आर्टिकल 8 क्या है। राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। अब यहाँ पे देखो, ये दोनों तो थी पाकिस्तान की बात, आर्टिकल 6 और 7, आर्टिकल 5 में इंडियन सिटीजन की बात हो रही है विद इन अ कंट्री, जो इंडिया की वो कैसे सिटीजनशिप एक्वायर करेंगे। आर्टिकल 6 7 में बात हो रही है जो पाकिस्तान गया, फिर जो पाकिस्तान में ही रह गया, जो पाकिस्तान गया वहाँ से वापस आ गया। आर्टिकल 8 में बात हो रही है जो इंडिया के लोग हैं जो बाहर रह रहे हैं, ठीक है, जो अब्रॉड में रह रहे हैं, ठीक है। अब्रॉड से मेरा मतलब आप ये समझिए पाकिस्तान को छोड़कर सभी राष्ट्र सभी नेशन, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान की हमने बात कर ली है 6 7 में, तो उनकी सिटीजनशिप्स कैसे मिलेंगी उनको, ठीक है, या उनका जो भी राइट ऑफ सिटीजनशिप उनको कैसे मिलेगा। तो देखो क्या हुआ था, जिस समय पे ये संविधान लागू हुआ या जो भी था, ठीक है, क्या हुआ था, कई क्रांतिकारी थे जो बाहर जो विदेशों में लड़ने भी गए थे, जहाँ आंदोलन चला रहे थे, ठीक है। अब मान लीजिए वो आंदोलन चला रहे हैं, किसके लिए चला रहे हैं, वो भारत के लिए आंदोलन चला रहे हैं, ठीक है, तो भारत के लिए आंदोलन चला रहे हैं, तो ये तो बहुत ही गलत होगा अगर हम ये बोल दें कि इंडिया के आउटसाइड जो भारतीय रहे हैं वो इंडिया के सिटीजन्स नहीं है। तो नहीं, ऐसा नहीं है, जो इंडिया के नागरिक जो बाहर चले गए थे उस समय, तो जो इंडिया ओरिजिन के हैं और जो बाहर रह रहे हैं, ठीक है, वो इंडियन सिटीजनशिप कैसे मिलेगी उनको, या तो वो उनके पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स, यानी वो उनके माता पिता, ठीक है, एनी ऑफ द पेरेंट्स, माता पिता या उनके ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी
ठीक है, वो कहाँ हो, इंडिया में बॉर्न हुए, इंडिया में पैदा हुए हो, इंडिया में उनका जन्म हुआ, या जिस कंट्री में वो रह रहे हो वहां की उनको, वहां से उनको जो रजिस्ट्रार ले लीजिए या काउंसलर, जो बड़े जो चीजें होती हैं काउंसलर रजिस्ट्रार की तरफ से, इंडियन सिटीजनशिप का उनको साइन हो रखा हो कि ये इंडिया की सिटीजनशिप है, मतलब इंडिया के सिटीजन्स हैं, ठीक है। तो इन दो केसेस में उनको इंडिया की सिटीजनशिप मिलेगी, ठीक है। तो ये तो थी बाहर रहने वाले लोगों की बात। अब देख लेते हैं आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 क्या कह रहा है, पर्सन वॉलेंटरी एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन्स। अब क्या होता है, जिन लोगों ने, जो भारतीय मूल के हैं, ठीक है बात समझिए, जो भारतीय मूल के हैं, अगर यदि उन्होंने सिटीजनशिप ले ली है बाहर की, किसी बाहर की कंट्री की, तो उनको इंडिया की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, ठीक है। यानी वो इंडिया के सिटीजन्स नहीं कहलाएंगे अगर वो किसी अन्य देश के सिटीजनशिप हासिल कर चुके हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 की बात तो थी कि आप सिटीजनशिप कैसे ले सकते हैं, ठीक है। 8 तक आपकी बात थी कि आप सिटीजनशिप कैसे ले सकते हैं, 9 से आपकी बात शुरू हुई कि किसको नहीं मिलेगी, ठीक है। अब देख लेते हैं आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 है आपका कंटिन्यूएशन ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, यानी नागरिकता आपकी बनी रहेगी, ठीक है, अंटिल कब तक बनी रहेगी, अगर आपने कुछ ऐसा काम नहीं किया हो जो संसद में मना किया हुआ है, ठीक है, जो पार्लियामेंट के द्वारा मना किया गया, अगर आप वो काम नहीं करते हैं तो आपकी सिटीजनशिप कोई भी नहीं छीन सकता है, ठीक है। यानी अगर आपके पास कोई भी उठ के आ जाता है कि आप सिटीजन नहीं है या कुछ है या कोई भी चीज है, तो आपकी नागरिकता कोई नहीं छीन सकता जब तक आपने कुछ गलत ना किया हो या जब तक आपका जो पार्लियामेंट द्वारा कुछ गलत चीजें ना हुई हो, ठीक है। अगर आपसे पार्लियामेंट, संसद कह देता है कि आपके लिए ये गलत है या उनके जो रूल्स हैं उसके हिसाब से आपने कुछ गलत किया होगा, तो आपकी सिटीजनशिप छीन सकते हैं, अदरवाइज सिटीजनशिप आपकी कंटिन्यूएशन में रहेगी, आपकी नागरिकता कोई नहीं ले सकता। तो ये तो था आपका आर्टिकल 10। आर्टिकल 11, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। यानी आर्टिकल 11 में पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि वो 26 जनवरी 1950 के बाद के लिए सिटीजनशिप के लिए लॉज बना सकता है, ठीक है। यानी कि जो कि मैंने आपसे पहले भी बोला, 5, 6, 7, 8 में बात की गई है कि 26 जनवरी 1950 को सिटीजनशिप्स कौन कौन थे या उस समय में सिटीजनशिप कैसे एक्वायर होगी, वो आपकी बात हुई है 5, 6, 7, 8 में। लेकिन 26 जनवरी 1950 को आपको सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, ये कौन तय कर लेगा, ये तय करेगा आर्टिकल 11 में जो बोला गया है, पार्लियामेंट अपने रूल्स, अपने लॉ बनाएंगे सिटीजनशिप देने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए पार्लियामेंट ने अपने लॉ को यूज करके एक एक्ट निकाला जो कि है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो दोस्तों एक बार थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं। आर्टिकल 5 आपकी बात करता है कि इंडियन सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, 26 जनवरी 1950 को आपको सिटीजनशिप कैसे मिली, 6 है, ठीक है, विद इन इंडिया के लोगों को कैसे मिले, 6 है, जो इंडिया, जो पाकिस्तान को माइग्रेट हो गए हैं वो इंडिया की सिटीजनशिप कैसे ले सकते हैं, 7th है कि जो पाकिस्तान को माइग्रेट हुए, मतलब पाकिस्तान गए एंड वहां से वापस आ गए, उसके बारे में बात हुई है 7th में, ठीक है। 8th में है जो है तो इंडिया के लेकिन रह रहे हैं बाहर, तो इन चारों की बात हुई है आपकी 5, 6, 7, 8 आर्टिकल में, ठीक है। और साथ ही साथ एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, आर्टिकल 11 में ये बोला गया था कि इंडिया पार्लियामेंट को पावर होगी अपने लॉज यूज करके 26 जनवरी 1950 के बाद के लोगों के लिए सिटीजनशिप कैसे एक्वायर होगी उसकी, और साथ ही साथ 5 से लेकर 8 तक जो आर्टिकल है आपको वो उस पर रिस्ट्रिक्ट भी कर सकता है, ठीक है। जो ऑलरेडी सिटीजनशिप ले सकते हैं उस पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो थे फ्रेंड्स आपकी सिटीजनशिप, जिसमें कि मैंने आपको बोला कि इतना खास ज्यादा पूछा नहीं जाता, 6-7 आर्टिकल 6-7 इतना पूछे नहीं जाते, लेकिन हमें पढ़ना तो है इसलिए ये मैंने आपको पढ़ाया है। नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, ठीक है दोस्तों। तब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, चैनल पर अगर अभी नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की क्लासेस चाहिए तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो प्लीज गो एंड चेक इट, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ठीक है। और बेल बटन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। थैंक यू।